होशियार सर जमीन एक कॉमेडी की सबसे हसीन कमसिन और बेहतरीन राजकुमारी श्रुति आपका हंसी के इस नए दरबार में स्वागत करती है। वेलकम टू बिंगो यमी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली। महाबलियों और उनके योद्धाओं को बुलाने से पहले हम बुलाना चाहेंगी उन्हें जो संपूर्ण हास्य जगत की राजमाता है। वो राजमाता अर्चना पुरन सिंह पधार रही हैं। हास्य के इस महान दरबार में आपका स्वागत है राजमाता। धन्यवाद राजकुमारी श्रुति। नया सेट एंड व्हाट अ सेट इट इज अमेजिंग। 18th सीजन गाइस क्लैप्स। 18th सीजन। आई एम सो ऑनर्ड so proud। जोरदार तालियां हो जाए राजमाता अर्चना पुरन सिंह के लिए। सर जमीन हिंदुस्तान का वो खानदान जिसने हिंदुस्तान को जब भी दिए सुपरस्टार्स ही दिए, द खान ब्रदर्स सुहेल खान और अरबाज खान पधार रहे हैं। बहुत कंपटीशन होने वाला है एंड आई एम गोना एंजॉय माय सेल्फ एंड आई होप द ऑडियंस एंजॉयज इट टू। अरबाज आपको क्या लगता है, व्हाट आर यू एक्सपेक्ट? फर्स्ट एड लाइक मी। ओके ओके अरबाज खान। अरबाज खान आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू सीजन। इज गोइंग टू बी ग्रेट। इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अब ये बताइए आप दोनों को तो हम यहां ले ही आए, सलमान भाई कब आएंगे? देखो मैं बिल्कुल ये चाह रहा था लेकिन अफसोस कि वो हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो बहुत बिजी है, हम फ्री। सलमान भाई को तो हम कुछ बोल नहीं सकते लेकिन ये सलमान को तो जरूर पीट सकते हैं। इसको तो पीट सकते हैं। कमाल करते हो पांडे जी। मैंने दोनों से पूछा कहाँ जा रहे हो, कहते फिल्म की लोकेशन देखने जा रहे हैं। ये फिल्म की लोकेशन है? अच्छा सुन, सलमान खान इज नॉट सलमान खान टिल। सलमान खान, सलमान खान बनने का बहुत शौक है ना, फिर अब बस। और इतना याद रखना कि जो कुछ भी तू करेगा ना शो पे, सलमान खान इस शो के बहुत बड़े फैन है, सारे एपिसोड्स देखते हैं। ऐसा कुछ किया ना तो हम तो यहाँ पीटेंगे, जहाँ भी तेरे को देखेंगे वहाँ पीटेंगे। हाँ तो मैं कहता हूँ बुलाओ सलमान भाई को, बुलाओ बुलाओ। तो आगे से कहते भाई बिजी है, भाई बिजी है, घर के दोनों डायरेक्टर इधर है, भाई कहाँ बिजी है? एक की फिल्म खत्म होती दूसरा लेके आता, भाई करो ना, भाई करो ना, भाई करो ना, भाई करो ना। दूसरी खत्म होता पहला शुरू, भाई करो ना, भाई करो ना। खुद अर्चना के साथ बैठ के हंसता हूँ, मेरे पीछे शेरा छोड़ रखा है। सब मैं सलमान भाई के साथ नहीं कर सकता था, मैं इसके साथ कर सकता हूँ। मैं सलमान नहीं हूँ, माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। जो असली सलमान खान भी है ना जी, वो जो गेस्ट आने वाले ना उनके सामने भी उनकी बोलती बंद होती है। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द लेजेंडरी हेलेन जी का। थैंक यू। वेलकम हेलेन आंटी, वेलकम टू द सेट्स ऑफ कॉमेडी सर्कस। इट्स एन ऑनर एंड रियली अ प्लेजर टू बी हियर विद दीस टू गुड बट नॉटी बॉयज। आई एम गोना गिव माय फादर द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। हमारे खानदान में मेरे पास दो भाई है, दो बहन है, दो माए हैं, एक ही बाप है। अब आ रहे हैं वो जो एक ही सीजन में हंसी के आसमान पर छा चुके हैं और अब तो खुद अपनी टीम बना चुके हैं, वो भी इंडिया की सबसे बिंदास और सबसे ललन टॉप अदाकारा के साथ। आ रहे हैं महाबली कृष्णा सुदेश के योद्धा सिद्धार्थ सागर एंड राखी सावंत। कितनी बड़ी बात है, सुहेल जी आए हैं, अरबाज जी आए हैं, हेलेन जी आए हैं, पूरा परिवार आ गया, शेरा को भी ले आते। हमारे यहाँ कहते महिलाओं को बढ़ावा नहीं मिलता। कौन कहता है महिलाओं को बढ़ावा नहीं मिलता?
हमारे यहाँ देख लो महिलाएं महिलाएं, पहले उस कुर्सी पर कब्जा हुआ था, इस पे भी हो गया। और तुम बार बार क्यों इस सीजन में चली आती हो, मुझे तो ये समझ नहीं तुम क्यों आती हो। भगवान का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास, दमा, मिर्गी, खांसी, खुजली। अच्छी तो चिता देख के लेट क्यों नहीं जाती। खैर मैं साइड कैरेक्टर की बात क्यों करूं, बात करते हैं सिद्धार्थ सागर की, बाबा विनर ऑफ कॉमेडी सर्कस के अजूबे। जोरदार तालियां। कॉमेडी सर्कस के अजूबे में कृष्णा सुदेश को जिता दिया। दोनों का फोन आया था मेरे पास। कृष्णा का फोन आया, कहता है हमारे साथ कर लेना एक एक्ट, ए अगला सीजन हमारे साथ कर ले, हमारे साथ कर ले। हेलो हेलो। अभी फोन करता हूँ, बात तो कर ले एक बार। हाँ कैसा भाई कृष्णा? अच्छा अच्छा, सुनो 6 महीने बाद मेरे यहाँ पार्टी है तो आना जरूर। अच्छा किस चीज की? भैया कॉमेडी सर्कस के महाबली मैं जीतने वाला हूँ। और सुदेश अपना लौंडा कैसा है? बात कराओ लड़के से। लड़के क्या कहते थे, तेरी माँ का साकीना का, तुम्हारी बहन की डंडोची, तुम्हारे फादर का दादर। साले सामने दिखे दोनों के मलाड तोड़ दूंगा, फिर गोरे गोरे गांव लेके घूमते रहना। अब मैं अपनी पार्टनर का ऑडिशन खुद लूंगा। तो अब मैं उसके घर आया हूँ, आइए देखते हैं क्या होता है। जी नमस्कार नमस्कार, आइए 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 आइए, बैठिए आइए। ए नौकरानियों के सोफे पे बैठी, उठ उठ। अर्चना जी जरा ऐसे बताओ कि मैं कौन हूँ? इंडिया में फेमस, वर्ल्ड फेमस हूँ। माई नेम इज राखी सावंत। सालों ने राखी सावंत दे दी मुझको। अबे इससे ज्यादा लड़की तो मैं लगता हूँ। एक सेकेंड दीदी। दीदी कृष्णा सर। सर कैसे हैं सर? चरण स्पर्श। सर सर मेरी बहन की निंडोशी सर। मेरे मलाड तोड़, मेरा दही सर फाड़ देना आप। ऊपर जा राखी सावंत को भेज। मैं राखी सावंत हूँ क्या? ऊपर भाई मैं ही राखी सावंत हूँ, यकीन नहीं हो रहा? ये करने से तो राखी सावंत हो गई जी। मुन्नी बदनाम हुई ले मैं सलमान खान। प्रूफ दे उसको, प्रूफ कर। प्रूफ चाहिए? हाँ तो आ यहाँ पे, ये देख राखी की चर्चा में रहने के शेड्यूल। राखी की इंग्लिश, राखी के लफड़े, राखी के पंगे। अब यकीन हुआ कि मैं ही राखी हूँ। वाह टिच्चे ताली की बजा रहा है, मजा आ रहा है। और भी मजा आता तेरा मुंह इसके बीच में आ जाता, बजाता तुझे मैं। तू है कौन? Well, myself, all ready then. Siddharth Sagar, yeah! Woo! Myself, Rocky, Pyasi. 2 मिनट लगेंगे तू जैसे सागर को घोल के पी जाने में। तू अपने बता, तूने कोई तैयारी शैयारी की है? अरे मैडम सारे वीडियो देखे हैं आपके। मेरे वीडियो तो तूने क्या, तेरे बाप ने भी देखे होंगे। तुम आजकल उसमें नहीं आ रही, चर्चा में नहीं आ रही, कोई मीडिया नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं? आजकल मैं अपनी इमेज बदल रही हूँ, चर्चा कंट्रोवर्सी और मीडिया से बहुत दूर, घर में आराम कर रही हूँ। आराम कर रही है, कम से कम शादी कर ले। शादी के लायक कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिल रहा। ढंग का क्या, भाड़ में जितनी तेरी उम्र है तेरे को लड़का मिल जाए वही बहुत है। यहाँ तक आइए, कुछ तैयारी करके आइए कि नहीं? अरे इस सीजन में ना मैं एक्सपोज करूंगी, ना मैं किसी से लफड़े करूंगी, ना कंट्रोवर्सी करूंगी, और पंगे तो मैं किसी से नहीं लेने वाली हूँ। चलते एपिसोड से एलिमिनेशन करवाओगे आप लोग? अरे राखी सावंत के होते हुए तेरा एलिमिनेशन हो, उससे पहले इस साड़ी का एलिमिनेशन हो जाना चाहिए। पकड़। इसे देख के मेरा कृष्णा निकल गया। महिला अरे हट, तुझे देख के तो मेरा भी कृष्णा निकल गया। मेरा सुदेश निकल गया। हेलो दीदी दीदी दीदी। अरे दीदी दीदी मत बोल, ये तो हम सबकी दीदी बताएगी कि हम दोनों की जोड़ी कैसी है। दीदी से पहले हम जरा भैया से पूछते हैं। भैया सुहेल, एज अ कॉम्बिनेशन आई थिंक एज अ टीम इज गोना बी अ राइट ऑफ अ टीम, एंड राखी लव यू एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर बैक इन कॉमेडी सर्कस। थैंक यू Arbaaz. You guys are really, really going to do very well. I am looking forward. Thank you, sir. Archie. Rakhi, they say ki good wine, when it matures,
उसका टेस्ट और भी बेहतर होता है. सो यू आर लाइक दैट वाइन विच इज मैच्योरिंग एंड बिकमिंग बेटर. सिद्धार्थ मेरे बाय, यू आर अ लिटिल किड, यू आर 20 इयर्स ओल्ड, बिहेव योर एज. यू गॉट द गट्स ऑफ द नेशन. और क्या दही सर फाड़ दोगे? यकीनन आप कॉमेडी में तो बहुत कुछ फाड़ देंगे, लेकिन आपको देखकर मेरा सीना जरूर फटता है विद लव एंड प्राइड फॉर व्हाट यू डू. हेलेन जी, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड कीप इट अप. थैंक यू हेलेन जी. You're really good, my son. God bless you. You're not really good. You're too good. Thank you, Helen Aunty. So, Mahabali Krishna Sudesh ke do yodha, Siddharth Sagar aur Rakhi Sawant ke liye zordar taaliyan ho jaye. Hamare yodha Mantra, jaa pahunche hain haasya ke badshah Johnny Lever ke paas, unki beti ko partner banane. देखें पार्टनर मिलती है या पिटाई. आ रहे हैं महाबली भारती और शकील के योद्धा मंत्रा एज हिमसेल्फ, मुबीन एज जॉनी एंड जैमी एज हरसेल्फ. कॉमेडी सर्कस के 18वें सीजन, कॉमेडी सर्कस के महाबली को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पहले ही एपिसोड में स्वयं देवी दर्शन देने आई हैं. जोरदार तालियां हेलन जी के लिए. कैसे बताएं हेलन जी, आप कौन हैं हमारे लिए? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी. ये नगरियां हैं ख्वाब की, कैसे बताऊं हालत दिले बेताब की? कैसे बताएं आप कौन हैं हमारे लिए? कहा जाता है एक वक्त के बाद इंसान की शख्सियत उनके बच्चों के कर्मों से मालूम पड़ती है, ऐसा सुना है. और अगर ये सच है तो तू महान है देवी, कि तू इन शूरवीरों की मां है. सोहेल मेरा भाई, कैसा मेरा भाई? भाई बहुत स्ट्रिक्ट है मेरा भाई. तुमने जितनी बिरयानी खिलाई भाई साहब, वसूल ली मेरा भाई. Mantra, you're too good. I'm so happy to be here. In your presence, ma'am, the best comes out. And of course, zamana aapka hua karta tha, jahan ek se ek heroines hua karti thi, matlab unke muh se bada unka juda hua karta tha, aapko yaad hai? Log kehte the ki wo Sharma ke niche dekh ke chal rahi hai, actually wazan ke karan niche dekh ke chal rahi thi. और उस जमाने के हीरोज बिना कान के हीरोज भी चल जाते थे, इतने बड़े बड़े बाल थे, कान दिखते ही कहाँ थे उस टाइम पे. और हेयर स्टाइल ऐसी कि मतलब कंघा तो काम ही ना करे, दांत टूट जा, कुल्हाड़ा मार के ऐसे फाइटिंग निकालते थे. बट अमेजिंग टाइम. एक चीज जो नहीं बदली है वो है कॉमेडी. फिल्मों से लेकर आज टेलीविजन तक, कॉमेडी सर्कस तक, हम सब लोगों को हंसाते आ रहे हैं और ये हम कंटिन्यू करेंगे. ऑफकोर्स मुझे इस सीजन के लिए एक नए पार्टनर की जरूरत है, इसलिए आपको पहला सीजन याद है अर्चना जी, आपके साथ को जज हुआ करते थे जॉनी लीवर साहब. ऑफ कोर्स सुना है उनकी बेटी भी बड़ी कमाल की एक्टिंग करती है. लेट्स फाइंड आउट कि जॉनी जी घर पे हैं या नहीं, और उनकी बेटी मेरी पार्टनर बनेगी कि नहीं बनेगी. अरे पिंकू, कितना बदल गया है तू. नहीं नहीं जॉनी जी, पिंकू की पोजीशन बदल गई है, श्रुति है. जॉनी जी, मेरा नाम मंत्रा है, सटायर किंग, कॉमेडी सर्कस वाला. बोलो काम क्या है, काम क्या? मैं एक्चुअली आपकी बेटी का हाथ मांगने आया था जॉनी जी. बेटी का हाथ मांगने आया तू? मेरी बेटी का हाथ लेके जा, कैसे प्लान बजवाएगा तू? डॉक्टर ये आप? Oh my God! Danny uncle, आप? Danny uncle किसको बोली? बेटा, बेटा दरअसल ये कॉमेडी सर्कस है, इनका नाम मंत्रा है. Oh, कॉमेडी सर्कस है? Yes. मंत्रा? Absolutely. इनको कौन नहीं जानता डैडी? डैडी ये पूरे कॉमेडी सर्कस में एक ही है जो किसी से नहीं डरते. कितनी बार बोलते हैं लोग कॉमेडी करो, कॉमेडी करो, लेकिन नहीं. क्या सटायर मारते हैं आप, क्या सटायर मारते हैं. कर सकती है कॉमेडी? तुम्हें कैसे पता मैं कॉमेडी कर सकती हूँ बावा? अरे क्या जॉनी लीवर किया आपने यार? चुप कर, इतनी देर से मैं कर रहा हूँ वो नहीं दिखा तुझे. अबे ये ओरिजिनल बेटी है, मैं समझा कर. बहुत अच्छा है, वेरी नाइस. डैडी को देख देख कर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ. मुझे देख कर थोड़ा बहुत क्या समझा? और क्या, और क्या कर सकती है बताइए? दीपिका जी बहुत अच्छी आवाज निकालती है. दीपिका? हाँ सुनाई सुनी नहीं वाली. एंगल नया है, मुझे लगता है इसे और डिस्कस करना चाहिए. तो क्या मैं नीचे आ जाऊं? जय जस्ट लुक एट मी जय. लोग क्या सोचते हैं कि दीपिका अच्छी एक्ट्रेस नहीं है जय? यू सच सोचते हैं जय, वो सच सोचते हैं. जस्ट लुक एट मी. अरे क्या बात है, क्या बात? किरण जी, किरण जी, हाँ किरण जी.
अच्छा अच्छा तुम्हारा पति तुम्हें मारता है कूटता है, ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो बहुत बुरी बात है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा नहीं। बैस, 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 वेरी गुड। सर आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों स्टेज पर आग लगा देंगे। अच्छा तुम दोनों स्टेज पर आग लगा दोगे? और मुबू इन साइड में खड़ा होकर अक्षय खन्ना का मुंह बनाया। अरे तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं, नया कॉमेडी सर्कस क्या है ये मैं आप दोनों को बताता हूँ, सुनना चाहेंगे? अर्चना आपसे शुरू करते हैं। मंत्रा, लाइक हेलेन जी वाज फोर्स्ड टू इंटरप्ट इन द मिडल एंड से हाउ गुड यू आर, आई हैव टू से यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। जैमी, योर डैड इज द न्यूमरो उनो इन कॉमेडी, उन्होंने शुरुआत की और आप हमारे सामने दर्शाएंगे कि यू बिलोंग टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स ऑफ आर टाइम एंड ऑफ आर कंट्री, एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ऑल थ्री ऑफ यू, व्हाट अ ग्रेट बिगिनिंग टू दिस सीजन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Suhail? Jami, for the man who's not here with us, but he still deserves this, that's just for your dad. Woo! Yeah. Woo! Comedians ka baap Johnny Lever hai, comedy shows ka baap comedy circus hai. Yeah! Arbaaz Khan! Super, very Thank well you, done. Sir. I think it was very, very good, Mantra. I think Anan Aunty ko jo aapne honor kiya, and you know, on this stage, it's a great honor even for us. Anda. I think she's somebody who has done over what, 800,000 films? Wow. You know, which is commendable. Oh my God. So for a pioneer in, you know, and a legend in her own right, let's just, you know, congratulate her. And that's a beginning. I got embarrassed, and I thank my God for all this ovation that all you beautiful people are giving me. I'm really so happy to be here today. Mantra, Mubeen, aur hamari nayi talent, Jami ke liye zordar taaliyan. जोरदार तालियां महाबली कृष्णा और सुदेश के साथ नई टैलेंट खुशबू के लिए। आज इस शो की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और सबसे अच्छी शुरुआत लेजेंडरी एक्ट्रेस, दिल से कह रहा हूं, बहुत 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 प्यार करते हैं हम आपसे, मैं डांस मेरे लिए पैशन है और आप डांस की देवी हैं, हेलेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सोहेल भाई वेलकम बैक। अरे क्या पतले हो गए यार आप, सब लोग बाहर बोल रहे हैं अरे सोहेल भाई पतले हो गए, सोहेल भाई पतले हो गए, पता है क्या किया, क्या किया मेरे को, पता है क्या किया, ऐसे नहीं 3 महीना टीवी नहीं किया ना इन्होंने। हेलन आंटी, अगर आपका पूरा परिवार सारे लोग अगर 1 महीना कहीं छुट्टी पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, क्योंकि सारे सुपरस्टार तो आप ही के घर में है। नहीं लेकिन ऐसी बात नहीं, अगर आपके घर पे इतने सारे सुपरस्टार हैं तो मैं एक चीज कहूंगा, हमारे घर पे भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे श्रुति तुम्हारी ये क्या है, ये जो मॉल में जो ट्रॉली मिलती है उस पर गद्दा लगा के आई है, तुम्हारी जगह है नहीं, तुम पीपल के पेड़ के नीचे बैठो यार। क्या बात है सुरेंद्र, आप ऊपर पहुंच गए। नहीं नहीं ये लोग कह रहे हैं कि इनकी प्रमोशन हो गई, कोई प्रमोशन नहीं, पनिशमेंट दी है, चलते एक्ट के बीच में सुसु जाने की आदत थी ना इसको। यार स्टैंड अप तो चलता रहेगा यार, मेरे इस नए शो में मेरी जिंदगी के सबसे पुराने पार्टनर कहाँ है लहरी साहब। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा ज्यादा डांस पसंद किया, अब इसके लिए भी तालियां हो जाए। ये क्या आपके कोट पे गंदा लगा हुआ है? कहाँ पे? ये इधर। फिर क्या हो गया, अभी साफ कर लेते, कोई चक्कर ही नहीं, ये लो, कोई चक्कर नहीं, ये लो। सुदेश जी इतना पैसे का अनादर क्या कर रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो नोट से? क्या करूं मैं, अमीरी का अंदर घमंड फूट रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं, इतना पैसा आ गया मैं तो नाम चेंज कर रहा हूं अपना। अच्छा अमीरों वाला क्या रखना चाहते? अंबानी। बकवास बंद करो, नाम थोड़ी बिकते हैं लहरी साहब। अबे साले नाम ही बिकते हैं, सलमान भाई का नाम ही बिक रहा है, डायरेक्टर तो इधर बैठे देख। हेलो आंटी ये बात सही की, सलमान भाई का तो नाम बिकता है, बिकता है। नहीं तो उनकी जो रेडी फिल्म आई थी ना, हाँ। अच्छी बनी थी, हाँ। लेकिन उसमें एक नौकर का रोल दिया था किसी को, इतना घटिया एक्टर लहरी जी, इतना घटिया एक्टर था, फिर भी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, क्योंकि सलमान भाई का नाम बिकता है यार, मार्केट में बिकता है, सही बात, हिट हुई ना। हाँ हिट होती है। हाँ अभिषेक बच्चन और अजय देवगन के साथ एक कुत्ता आया था फिल्म में,
फिल्म सुपर डुपर हुई, ये कोई बोल बच्चे नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। फोन आ रहा है विपुल गरीब को, उठाऊं कि ना? उठाओ इसका फोन। हेलो सर। यस सर, एक मैं पूछ के बताता हूँ, कहते हमारी जोड़ी में एक लड़की देनी है, पार्टनर किसको बुलाएं? एक काम करो, वो नया लड़का है ना, वो रणबीर, रणबीर करके कोई लड़का, उसकी बहन है करीना कपूर, सुपरस्टार का, हाँ उससे बात करो, बोलो। हेलो सर, आपका बजट भी नहीं तो करीना को रख लो। एक मिनट, मैं मुझे नहीं समझे ये बहन का टका क्या होता है, बोल रहे हैं। एक काम करो, फिर बोलो प्रियंका चोपड़ा से बात करें। ओके, हेलो सर, प्रियंका चोपड़ा को बुला लो। ओके, कहते बहन का टका। एक काम करिए, विपुल शाह को बोल कोई भी भिकारन भेज दे हमको, बोल कोई भिकारन भेजने के लिए। ठीक है, कोई चूहिया भेज दो, चूहिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कृष्णा सुदेश कहाँ मिलेंगे? ये बकवास बंद कर बे, तेरे कृष्णा से क्या काम है? मुझे एक्चुअली मोबाइल रिचार्ज कराना है, 101 का टॉप अप मुझे पता है। एक मिनट लहरी साहब, एक मिनट सुनिए, ये मेरे को सिद्धार्थ लगता है, लड़की बन के आया हम लोग को चिढ़ाने के। अर्चना जी आप बहुत सही कहती थी, इंसान जो कैरेक्टर बार बार करता है ना वैसे ही दिखने लगता है। सिद्धार्थ, मैंने पिछले सीजन में बहुत मारा यार तेरे को, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। पीछे हटो, माफ कर दिया मैंने। पागल है, हमने भी मारा है, हम भी माफी मांगेंगे। ये कोई तरीका अपनी नई पार्टनर से ट्रीट करने का? इज दिस अ वे? तू नई पार्टनर है, क्या नाम है तेरा? खुशबू। खुशबू, जब मेरे पास आई थी ना उल्टी करने को मन कर रहा था, खुशबू का नाम रख दिया। नहीं है क्या बात, हमें तो ऐसा कुछ नहीं आया। देखा अच्छा सुनो, कॉमेडी वॉमेडी कर लेती हो कि नहीं? Of course, I'm really good at comedy. कल मुझे रोहित शेट्टी मिले, मैंने उनसे पूछा क्या मैं हीरोइन बन सकती हूँ, इतने में हंस के चले गए। Can you imagine, मेरे तक question में ही comedy थी। रोहित सर मिले थे? हाँ। क्या उस दिन उनके पास गाड़ी थी? नहीं नहीं थी ना, होती नहीं। तो चढ़ा जाते तेरे ऊपर। एक बात तो बताओ, अरबाज भाई के बाजू में कौन बैठा है? अरबाज भाई की बाइक। इज्जत से बात करो, वो हमारी अर्चना जी है, बहुत प्यार करते हैं। कितनी इज्जत करते मालूम है हम उनकी? ए बतावे अर्चना इसको। बात कर। आ रहे शो में कॉमेडी वॉमेडी सब ठीक है यार, मैं जो करता हूँ वो करो। अर्चना सामने खड़ी है एक पागल तिकड़ी। ये लोग नहीं खड़े मेरे सामने, मैं खड़ी होती इनके सामने। ये जो जोड़ी है ये अमर है, एंड खुशबू आप इनकी टीम में हैं, आप रियलाइज करेंगे कि आप कितने खुश नसीब हैं और कितनी बदनसीब भी, बिकॉज आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सोहेल बेसिकली खुशबू, ये लोग दोनों तुम्हारी बैंड मार देंगे। बस ये 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 इतने इन एन एग्जिट क्लॉज आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड, दिस इज कमिंग विद अ बिग डिस्क्लेमर। अरे आते हैं उनको कमेंट, चुप करो। लेकिन सही बात है खुशबू, ये कभी भी किसी चीज को छोड़ते नहीं है, और आप जैसी चीज को तो शायद छोड़ेंगे भी नहीं। आप बोलो और बोलो। आई स्पीक टू यू गाइस, सो कृष्णा आई लव यू एज ऑलवेज एंड विल continue to love you forever till I die. ये तो मैं परमित को भी नहीं बोलती। और सुदेश जी, you are amazing and you are just absolutely fabulous. I love you too. खुशबू, welcome to the team. Thank you so much. हमारे महाबली कृष्णा और सुदेश और उनकी योद्धा खुशबू को अर्चना ने पहले ही एपिसोड में दे दी है स्टैंडिंग ओवेशन. तो ये था हमारे इस एपिसोड का बिंगो एक्ट. Oh, thank you. अरबाज, कृष्णा और सुदेश, हर बार जब आप स्टेज पे आते हो आप सिर्फ एक चीज करने आते हो, एंटरटेन एंटरटेन और एंटरटेन. हेलेना जी, कृष्णा आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर नॉट देयर इन माय टाइम बिकॉज़ यू वुड हैव फ्लोर्ड मी. यू हैव सो मच ऑफ रिदम एंड योर वर्क, यू लव योर वर्क, दैट इज द सीक्रेट. पीपल यूज्ड टू आस्क मी व्हाट डू यू हैव व्हिच वी डोंट हैव. आई डोंट हैव एनीथिंग मोर देन एनीबॉडी. But I used to enjoy my work. I used to get into it. I was like a child with my dancing. And that's what you are doing now. Comedy Circus के पिछले सीजन में विजेता ना बनाए जाने के कारण भारती ने कर दी है बगावत और अपनी फौज लेकर करने आई है आक्रमण. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महाबली भारती और उनके योद्धाओं निखिल और राजीव का.
सुदेश, 6 सीजन, कपिल शर्मा विनर, और भारती सभी में क्या क्या नहीं किया मैंने। एलन जी 70 किलो का पेट लेके हार्नेस पे लटकी। अब क्या आप चाहते थे अर्चना के सर पे एप्पल रख के तीर चलाती? नहीं, थैंक यू। और अगर निशाना चूक जाता और तीर एप्पल को लग जाता तो कौन जवाबदार होता एप्पल का? अब मैंने मांगना नहीं छीनना सीख लिया है। मैंने खुद की आर्मी तैयार की है। रुकिए एक मिनट, आर्मी अटैक। सुहेल, पता नहीं मैं सुहेल के सामने क्यों सॉफ्ट हो जाती हूँ। एलन जी क्या हाल बना रखा है, हमारी ऐसी वाली गर्दन कहाँ गई? आप तो यंग हो गए, 10 साल जवान हो गए। प्लीज मैडम अपने बेटे को समझाइए, दीवाना है मेरे पीछे। आपको पता, इनकी बीवी का फोन आया था सीमा का, कहते भारती प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। मैंने कहा मैंने क्या किया है सीमा? कहते तुम्हारे प्यार में इतना दीवाना हो चुका है कि घर में मुझे भी भारती भारती कहता फिरता है। देखिए अभी भी दीवाना इधर ही देखी जा रहा है। बस हाँ, अब देखना कैसे कैसे पार्टनर आते मेरे, बुलाओ भी पार्टनर्स को। अरे मैं कोई डर नहीं हूँ, मैं कोई डर नहीं, इसको नीचे करो। यार डर के मारे मुझे तो टॉयलेट टॉयलेट की तरह। जा जा चल, पहले होकर आ टॉयलेट। चलो निकल गई है? मन में ही कर दी। थोड़ा चश्मा ऐसे फेंको। सर मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ एक ही शक्ल है मेरी, वही लेके घूमता हूँ, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। Yes, yes, yes. Oh my God, देखी? हाँ? अरे निखिल रत्नवार की पहचाना नहीं मुझे? अरे वाह, हेलो शाहरुख, ऋतिक, अजय देवगन, राहुल राय को लो, निकलो बेटा यहाँ से, चलो 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 चलो। सोहेल भाई, अरे हेलन जी नमस्कार, पूरा फिल्म फैटर्निटी एक साथ। सही बात है, एक साथ। दूर हटो। हाँ। लेकिन सर कितनी फिल्में कर चुके हैं अब तक आप? 2009 में एक, और दो फिल्में। 2009 में अपना तीसरा टैलेंट कौन है? कॉमेडी सर्कस का सेट। हेलो मम्मी, मम्मी बहुत सुंदर सेट है, बहुत ठंडा, एक भी पंखा नहीं है। अर्चना जी मैं चंडीगढ़ में वहां पे साउंड और बैंड का काम करता हूँ, माइक सेट करते करते मेरे अंदर से कई बार इको बाहर आ जाती है। हैले हैले बिट्टू साउंड फुल करो यार हेल 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 हुन 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 त्वा 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 सान 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 ठीक हुन 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 त्वा 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 हेलन जी हेलन जी हेलन जी प्रणाम 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 अर्चना जी सादर प्रणाम सादर प्रणाम किया चला किया चला किया चला ठीक है जी हेल 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 हुन 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 हेल 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 मोट 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 मार 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 हिट 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 कट 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 मार मार चाप चाप हिट 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 ठीक 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 हुल 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 मार 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 बेल हेलो हेलो अब ठीक है। मैंने बताया था ना अर्चना जी आपको, मेरे अंदर इको है वो बाहर आ जाती होती है। मुश्किल है ये सीजन भी जीतना। हाँ यार कुछ फिल्मी टैलेंट है आपके पास? देखना है? हाँ देखना है जी। सर ये क्या है? खर्राटे मारता हुआ शाहरुख। अब ये क्या है? शत्रु भाई की अंगड़ाइयां। सुनो ये बंदा तो काफी टैलेंटेड है। हाँ? इसको बात करो, अपनी टीम में रख लेते हैं। अरे डफर उसको पूछ, वो हमें अपनी टीम में रखेगा? सर फिल्मों के आर्टिस्ट सर, आप हम दोनों को अपनी टीम में रखेंगे? अरे हम लोगों की छोड़ो, इनको पूछो कि ये लोग हम लोगों को रखेंगे कि नहीं। अर्चना महाबली भारती के साथ ये जो नए दो योद्धा यहाँ खड़े हैं, इनकी पहली परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? भारती आई कांट इमेजिन अ सीजन विदाउट यू, यू ब्रिंग मोर वुमन पावर ऑनटू द स्टेज। आई थिंक दिस सीजन इज गोइंग टू बी अमेजिंग बिकॉज फर्स्ट एपिसोड इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन एक्ट, इज नॉट रियली एन एक्ट, बट इट वॉज सो नाइस एंड सो वंडरफुल। भारती यू आर सो 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 गुड, सो मच। हेलेन आंटी, गोल्डी यू वर too good and of course Bharati, God bless you and keep it up. Thank you so much. Arbaaz, sare acche combinations hai and I wish you all the very best and looking forward to a very very exciting season ahead. Thank you Arbaaz. Sohail, ab aap itna lad jhagad ke ro kar aaye ki please mujhe Bharati ke paas le chalo, boliye phir kaisi lagi aapko inki performance? Kaun Bharati, meri to Seema khadi hai. शर्माइए नहीं,
बिकॉज हेलेन आंटी इज देयर, सो कि अब आपका सारा पर्दाफाश हो जाएगा। मम्मी आज ले जाइए बहू को, ये तो सोफा कम बेड है। अभी आज तो सीमा ही बुलाऊंगा, टाइटल नहीं जीता है लेकिन सीमा ने इतने लोगों का दिल जीता है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी टाइटल। सही में बात, यू गाइस विल ऑल फॉर्म इनटू अ ग्रेट टीम, कांग्रेचुलेशंस, यू आर हियर टू स्टे। मुझे कॉमेडी सर्कस की हेलन बोला जाता है, तो ये हेलन मतलब मैं आपके नाखून के भी बराबर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप वो वाला स्टेप था ना आपका, मैं ऐसे से करती हूँ पेट खुद आ जाता है। जोरदार तालियां हो जाए भारती, निखिल और गोल्डी के लिए। राजीव ठाकुर कॉमेडी के सबसे बड़े योद्धा, इस बार इनकी किस्मत में पड़ा है कौन सा जोड़ीदार, चलिए देखते हैं। जोरदार तालियां महाबली कृष्णा सुदेश के योद्धा राजीव ठाकुर और नए टैलेंट बलराज के लिए। ये होती है ग्रैंड एंट्री, जस्ट लाइक कृष्णा। आज मुझे पता चला कि अपने पैसे खर्च करो तो क्या नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे हैंडसम स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए प्लीज माइक लेके आइए। नहीं नहीं, आपको पता चलना चाहिए कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। कितने दिनों से बता रहा हूँ, ये माइक लगा के समझ में नहीं आता, तो ये होता है। हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच मुझे ग्रैंड एंट्री देने के लिए। अब जाके सिग्नल पे भीख नहीं मांगना प्लीज। हाँ थैंक यू। हेलन जी नमस्कार, आपको मैं सीरियसली बात बताना चाहता हूँ कि मेरे मम्मी अगर आज भी किसी के फैन है ना तो वो आपके। और मुझे पता चला है कि मुझे पंजाब से एक स्टैंड अप कॉमेडियन पार्टनर दिया गया, और सबसे बड़ी बात सोहेल भाई, मेरा सबसे बड़ा फैन, मेरा भक्त सर जमीने कॉमेडी सर्कस सलाम। मैं हूं राजीव ठाकुर का सबसे बड़ा फैन, जब तक उनकी शक्ल ही देख लेता ना मेरा दिन शुरू नहीं होता। सर बहुत खुशी हुई सर, बस एक बार दर्शन करा लो ठाकुर साहब के। मर गया वो कब? 2 मिनट पहले। मेरे ठाकुर साहब मर गए, भगवान उनकी आत्मा को स्टैंडिंग ओवेशन दे। साले अच्छा एक बात बताओ, कृष्णा मरा है? नहीं। लैरी साहब? नहीं। भारती? नहीं। हाय, अब ऊपर कोई भी शो होगा ठाकुर साहब जीतेंगे क्योंकि अकेले गए हैं। तू मुझे मरवाएगा सर? मेरे होते आप कभी नहीं हार सकते। क्यों सर? मैंने तैयारी ऐसे की, आपको पता है जो जजेस आपको कमेंट देंगे ना, हमने टीवी पे दिखाने नहीं है तो हमने अपनी डबिंग करके दिखाया करनी। मतलब हम 3 लोगों की जोड़ी है, तू मैं और एडिटर। हां जी, चेक करना है। हम देखना अभी आपको ना, इधर आ जाओ, इधर लाइट लो, लाइट लो। शुरू करते हैं अपनी दादागिरी। मजा आ गया। पता ठाकुर जो तुम करते हो ना बारीकी से कॉमेडी, ये कोई नहीं कर सकता। मैं मुझे सिखाना थोड़ी सी, देख मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। सहेल भाई आए आज, पिछले सीजन में इन्होंने मेरी बहुत तारीफें की है, तो आप अब इनकी कर दो ना। मैं करूं? हेलो, फॉर्चुनेटली मैंने अपनी जिंदगी में, चित्रांगदा बात सुन मेरी, ठाकुर से बेटर कॉमेडियन नहीं देखा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन मेरे 8-8 नंबर का बुरा मान जाता था, पर मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। और कोई है जो उसे बहुत प्यार करता है? मैं करती हूं, बहुत करती हूं मैं भी। सर जी, सर उनके मुंह से कौन करवाएगा, अर्चना जी के मुंह से कर तारीफें। इतनी इज्जत किसी को बख्शता है तो उसके अंदर टैलेंट भर भर के है, और वो है ठाकुर। तालियां बजाओ। मेरा दिल करता है ये जो ट्रॉफियां सारी ठाकुर को दे दूं, उसी का हक बनता है। उससे माफी मांग, मुझसे नहीं। मंत्रा तूने छीना उसको, इधर आ, तेरा तो मैं गला दबा दूंगी। I'm crying today because I miss him. ये पहला फिनाले है जो मैं उसके बिना शूट कर रही हूँ। हट। सब कुछ हो गया, अब क्या करना है? बस मेरा तो उनको पता ही है, इसके बारे में बता दो क्या कहना चाहते हैं आप। सोहेल पहला हक तो आपका ही बनता है। काश मेरे पास नंबर होते। नहीं नहीं, न्यू टैलेंट इतने कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है। यू पीपल आर कमिंग इन फुली प्रिपेयर्ड, एंड ऐसा टैलेंट, ऐसा कॉन्फिडेंस देखना, इट इज वेरी हार्ट वार्मिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस अरबाज। देयर इज अ गुड केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ यू,
एंड इट विल बी गुड फन, मजा आएगा देखने में. थैंक यू सो मच. आजी, देयर आर मिलियंस इन इंडिया जो तरसते हैं कि हमें कॉमेडी सर्कस लाइव दिखा दो, और भी मिलियंस हैं जो बोलते हैं हम एक बार क्या स्टेज पर एक एक्ट कर सकते हैं. एंड हियर राजीव, यू आर वन ऑफ द वेरी सिलेक्टेड फ्यू, और एक नया टैलेंट है आप, बलराज. आज तो आपने इसको पास कर दिया है अव्वल नंबर के साथ. अब आगे आगे क्या करते हैं आप, क्या नया प्रदर्शन करते हैं, दैट इज व्हाट वी ऑल आर वेटिंग टू सी इन द न्यू सीजन ऑफ कॉमेडी सर्कस, विच इज कॉमेडी सर्कस के महाबली. थैंक यू मैम. विदेशी कलाकारों का देसी धमाल लेकर आ रहे हैं महाबली शकील विद जर्मन ब्यूटी क्लाउडिया. हेलो अर्चना जी, कंग्रेचुलेशंस, वन मोर सीजन, मोर पैसा, मोर बैंगलोर, मोर फ्रेंडशिप. हेलो अरवस्कन, सोहेल कन, आप दोनों भाई आ गए. एक मिनट, फोन आ गया. हेलो, आई सलमान खान. थैंक यू बेबी, मुझे गार ले जाने के लिए दोनों भाई को भेज दिया. यह सब बाद में, मेरी जान सासू माँ सामने बैठी है. नमस्कार मामी जी, कैसे हो? But let me tell you, अगर आपको मेरा और सालू का रिलेशन पसंद ना भी हो तो वो भी मुझसे शादी ही करोगे. पता है क्या? क्योंकि एक बार जो उन्होंने कमिट कर दी वो किसी की ना सुनते. By the way, where is my partner? जो तुम्हारा बेड़ा गरा को अल्लाह माफ करे, तुम्हारा सत्या ना जाए. तुम लोग थक जाओगे, पाँव नीचे रख लो. क्या हाथ जोड़ ली, पैसे जोड़. तेरी जैसी मुर्गियाँ होती हैं, दुकान से अंडा लेके मुर्गे पर रोप डाल ली होती है. मैंने दिया. सोहेल भाई कैसे हैं आप? कैसी हैं अर्चना जी? हंसी का पंडारा, माशाल्लाह बहुत अच्छी. हेलन जी कैसी हैं आप? आपके लिए एक ही लाइन कहूँगा, आप हेलन, बाकी सब बेलन. ये कौन है, जर्मन की मूली? So you are my partner? Yes. Do you even know how to do comedy? ओ, बड़ा इंग्लिश बोल रही है. हाँ. अबे मैं अंग्रेज से अंग्रेजी बोलूँ वो बंगाली शुरू कर देता है. ये क्या है? बस बोल भूल गया हूँ, धुन याद है मुझे. सवाल का जवाब दे. आई डोंट नो का मतलब बता. मुझे नहीं पता. नहीं पता तो क्यों बोल रही है? कुछ और शादी कर. तुमसे शादी? कितना गंदा मुंह है तुम्हारा. छी, जो चीज गंदा है जहन में लाओ ही नहीं. समझ लो मैं वगैरह मुंह का हूँ, बाकी सब सेट है. चलो मान लो अंकल जी कि मैं तुमसे शादी कर ली, तो तू मुझे घुमाने कहाँ ले जाओगे? चांदनी चौक? यही चमाड़ मार के घुमा दू, घूमती रहेगी. चमाट? You know चमाट? No. This is ठोंसा. प्रम चमाट. क्या बकवास कर रहे हो आप? हे भगवान, मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, तुम इंग्लिश नहीं आती, हम करेंगे क्या? बस 10 मिनट खड़ा होगा, दोनों यूं करते रहेंगे. इसमें कॉमेडी कहाँ है? मजा आएगा पागल, मैं तेरे करूंगा, तू मेरे करना. गापा बस तुझे मायला, काना काले वजविन तुझे आइसा, गाओ इधर से. गुजराती तेरी माना गाटिया, तेरा बापरा कारी नाकी. मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, तुम मेरी क्यों इंसल्ट करती हो? अगर मैं नहीं करेगी तो मजा नहीं आएगी. ठीक है ना, हम दोनों एक दूसरे को देखो, बेइज्जत नहीं होता ये. राज कपूर साहब ने कहा अपने पे हंस के जग को हंसाओ. आ जा तो कपड़े ही माशाल्लाह से पीतल की मछली फाड़ के पहन ली तूने. बहुत मिस किया. मैंने भी किया, नो डाउट, मैंने भी बहुत किया. मेरी दुआ है कि ये शो जो है ना, दुनिया जब तक कायम है, जितने भी कॉमेडियन काम कर रहे हैं, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, करते ही जाइए. मेरी दुआ है. आरजी, कैसी लगी आपको ये मजेदार अनोखी जोड़ी? आदाब शकील मियां, आप वापस आ गए. एंड वी मिस्ड योर फ्लेवर ऑन कॉमेडी सर्कस. क्लाउडिया, एक जर्मन को, जर्मन नेशनल को हमारे देश में, और वो भी कॉमेडी करते हुए हिंदी में, मतलब दिस होल कॉम्बिनेशन इज सो यूनिक. आई थिंक वी आर गोइंग टू सी समथिंग दैट कभी किसी ने नहीं देखा. सो क्लाउडिया, यू डैम गुड, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल इन दिस सीजन. थैंक यू. थैंक यू आरजी. क्लाउडिया, अब आपके दोनों देवरों से पूछे, उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? तो क्या अच्छा लगता मेरा परफॉर्मेंस? सोहेल, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एंड शकील भाईजान इज समबडी वर्ल्ड क्लास कॉमेडियन.
You'll only get to learn. And I really appreciate what you did. Thank Congratulations. Thank you so much. Arvaz? आपको देख के ऐसा लगता है कि आप लोग अपना एफर्ट 100% रखेंगे स्पेशली क्लॉडिया आई नो आप लोग एकदम वो चैलेंज को टेक ऑन करेंगे थैंक यू अरबाज थैंक यू सो मच हेलेन आंटी क्लॉडिया यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन इट शोज दैट इनोसेंस यू आर गोइंग टू डू बेटर एंड बेटर एज द टाइम गोज थैंक यू सो मच मैम थैंक यू और शकील साहब आपके बारे में मैं क्या बोलूं वेलकम बैक दुआओं की जरूरत है थैंक यू हेलेन आंटी महाबलियों और योद्धाओं की टकराव में ठहाकों की लूट मचाने के लिए मिलते हैं अगले शुक्रवार रात 9 बजे ओनली ऑन बिंगो यमी टोस प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली